हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारा एक करंट अफेयर का टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। और ओलंपिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है जिसे हम तैराकी कहते हैं, स्विमिंग कहते हैं, उसके बारे में आज हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। हाल ही में आपने काफी खबरें सुनी होगी कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है इसका प्रारंभ होने वाला है। अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो इसका आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच में किया जाना है। अब जैसा कि मैं आपसे बोला, पेरिस ओलंपिक तो आप समझ गए होंगे किस देश में और किस शहर में ये होने वाला है, इतने तो आप लोग समझदार हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि जो पेरिस ओलंपिक है ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। एक तो इतना बड़ा आयोजन होने वाला है इसलिए चर्चा में है, दूसरे चर्चा में रहने का कारण यह है कि यहाँ पर जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन है इसके ऊपर एक प्रकार से संकट मंडरा आ रहा है। अब ये संकट क्या है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जितने भी पश्चिमी देश हैं ये एक प्रकार से जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं उनके जो नॉर्म्स रखते हैं ये काफी उच्च रखते हैं, जिससे यहाँ पर जो एथलीट्स हैं, स्विमर्स हैं, इन्हें किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की अन्य समस्या उत्पन्न न हो पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जो पेरिस में 3 नदी है इस नदी में प्रदूषण का उच्च स्तर देखा गया है, तो इसी कारण यहाँ पर आप देखेंगे तैराकी एक प्रकार से जो हमारे ओलंपिक का मुख्य भाग है इसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। सब हम इसी को यहाँ पर विस्तृत समझ लेते हैं। तो आइए देखिए, पेरिस ओलंपिक जो प्रतिस्पर्धा है इसकी पहली बार मेजबानी भी 3 नदी ने ही की थी 124 वर्ष पहले, यानी कि 1900 के जो आपके ओलंपिक हुए थे उसमें 3 नदी में ही पहली बार तैराकी की गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस नदी में प्रदूषण का ज्यादा स्तर देखने को मिला, जिसके कारण हमने तैराकी को यहाँ पर बंद कर दिया था, स्विमिंग को बंद कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, केवल बात स्विमिंग की नहीं है, एक प्रतियोगिता और होती है जो स्विमिंग से ही संबंधित होती है, इसे हम बोलते हैं ट्राइथलॉन प्रतियोगिता, ठीक है, ये भी ओलंपिक में की जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तैराकी पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, तो यहाँ पर समस्या ये है कि 1932 में जब ओलंपिक हुए थे तो इसमें तैराकी प्रतिबंधा के 23 वर्ष बाद यहाँ पर अचानक से आप देखेंगे यातायात एवं प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। जो सीन नदी उसमें यातायात भी और प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो तैराकी थी, स्विमिंग थी, उस पर रोक लगा दी गई। 1990 के दशक में यहाँ पर आप देखेंगे तत्कालीन राष्ट्रपति थे जैक्स चिराग। जैक्स चिराग ने यहाँ पर घोषणा की कि जो नदी है यह स्वच्छ हो गई है और तैराकी के लिए पर्याप्त स्वच्छ है, मतलब तैराकी अब इसमें कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समस्या की है कि पिछले एक सदी में जो नदी है सीन नदी, इसमें प्रदूषण और औद्योगिक कचरे के निष्कासन से जो सीन नदी है इसमें कई सारे पॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। हुआ क्या, हमने जब शहरों का विस्तार किया तो इन शहरों का जो वेस्ट था, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो चाहे ह्यूमन वेस्ट हो, इसे हमने निपटान के तौर पर नदियों में डालना शुरू कर दिया। इससे हमारी जो नदियां थी ये भी पॉल्यूट हुई। तो इसी में आप देखेंगे ई कोली और एंटरकोकी, ये दो नाम के जो बैक्टीरिया थे इनकी काफी वृद्धि हमें सीन नदी में देखने को मिलती है। पिछले एक दशक में जो यहाँ की सरकार है उसने इस नदी के प्रबंधन पर 1.5 बिलियन यूरो धन खर्च कर चुके हैं पिछले एक दशक में, यानी 10 साल में 1.5 बिलियन यूरो, जिससे इस नदी को स्वच्छ बनाया जा सके और फिर से इसे स्विमिंग लायक किया जा सके। अब आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान स्थिति और विश्व ट्रायथलॉन के लिए मानदंड, वर्तमान में स्थिति क्या है और विश्व के जो ट्रायथलॉन है इनके मानदंड क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम आपको बता देंगे। सभी यहाँ पर क्लियर होगा कि स्विमिंग की प्रतियोगिता इस बार ओलंपिक में की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो पेरिस की जो सरकारी वेबसाइट है इनके इसके अनुसार जो जल गुणवत्ता विश्लेषण के आंकड़े हैं इनमें बताया गया है कि जून में लगातार 3 सप्ताह तक जो यहाँ पर पॉल्यूशन से इनकी अगर हम गणना करें तो 100 मिलीलीटर यानी कि 100 ml पानी में 1000 कॉलोनी बनाने वाली इकाइयां इनसे अधिक प्रदूषण वाली यहां पर मौजूद थी।
अब होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जिसे हम किसी भी प्रकार से देखने में सक्षम नहीं होते, इसीलिए हम इन बैक्टीरिया को एक कॉलोनी में घोषित कर देते हैं। तो यही कहा गया है कि 100 ml पानी में कितनी कॉलोनिया यहाँ पर बैक्टीरिया के रहती है उसको हम यहाँ पर नाप लें। ठीक है, अब अगर एक 100 ml पानी में 1000 कॉलोनिया रहती है यहाँ पर बैक्टीरिया की, तो इसे प्रदूषण रहित पानी माना जाता है और इसे असुरक्षित करार दे दिया जाता है। 18 जून को जब हमने यही स्तर देखा तो सर्वाधिक हमें यहाँ देखने को मिला 1000 ml पर 9000 जो बैक्टीरिया की यूनिट थी ये यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो प्रदूषण का सबसे उच्च स्तर था। 1000 घातक है तो यहाँ पर तो 9000 मौजूद थी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे जून के तीसरे सप्ताह में एंटरकोकी बैक्टीरिया का स्तर भी 3 बार 100 ml से लेकर आपको 1000 CFU देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहां पर आएंगे, विश्व ट्राइफोनल महासंघ ने कहा है कि अगर 100 ml पानी में 900 CFU यानी कि बैक्टीरिया के ग्रुप है, कॉलोनिया है, तो ये एक सीमा होती है कि इसमें आप तैराकी कर सकते हैं, इसमें अनुमति दी जा सकती है, लेकिन 900 CFU होनी चाहिए। तैराकी प्रतिशत पर आप संकट क्यों है, तो 30 जून की अगर हम बात करते हैं तो 30 जून को एक कोली का स्तर 2000 CFU था, जबकि एंटरकोकी का स्तर 400 CFU बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर हम 24 जून से लेकर 2 जुलाई की बात कर बीच की बात करते हैं तो इसके स्तर अनुमेय सीमा से नीचे रहा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 10 जुलाई के आसपास दिनों में ई कोली की सांद्रता 600 से 900 के बीच में रहती थी, जबकि एंटरकोकी की सांद्रता 100 से 200 CFU के बीच में देखी गई थी। ई कोली, अब ई कोली है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ई कोली या एक्सपेरिशिया कोलाई, इसे ई कोली कह जाता है शॉर्ट में। ठीक है, एक खाद्य पदार्थों के अलावा मनुष्यों तथा जानवरों के आंत में पाया जाता है, जो ई कोली है, चाहे एक्सपेरिशिया कोलाई, ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। साथ में यह मानव तथा जानवरों की आंत में पाया जाता है। यह जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है और ये जल को प्रदूषित कैसे करता है, मानव तथा जानवर का जो मल होता है, जो वेस्ट होता है, उससे यह पानी मिल जाता है और पानी को प्रभावित करता है, यस वहां पर उसे दूषित करता है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः हानिकारक रहित होता है, मतलब सामान्यतः यह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन कभी कभी ये जो ई कोली है आपका, ये डायरिया का कारण बन सकता है। ठीक है, मतलब कर्म नहीं बनेगा, बन सकता है। इसी के साथ में आप देखेंगे इसी से ई कोली से निमोनिया और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे कारण यहाँ पर दिए गए हैं। अब आते हैं आगे इंटरकोकी की बात करते हैं, तो यह एक इंटरकोकी बेरिश बेसिलोटा संका लैक्टिक एसिड प्रकार का बैक्टीरिया होता है, जो मानव आंत में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मेनिनजाइटिस के लिए उत्तरदायी है। सेल्मोनेला राइक्यूरियम, इसकी बात करते हैं, यह पक्षियों के मल में पाया जाता है और इसमें क्या है, बैक्टीरिया होते हैं और पक्षियों के मल से ही ये दूसरे पक्षी के शरीर में पहुंचता है। यह बैक्टीरिया मनुष्य एवं जानवर दोनों को संक्रमित करने में सक्षम होता है। मुख्य रूप से यह व्यक्ति, ये जो यह विषाणु है, व्यक्ति की आंत में सूजन लाता है। अब देखो सेल्मोनेला राइक्यूरियम, इसकी बात करते हैं, तो ये पक्षियों के मल में मिलता है, उनके बेस में मिलता है, उसी से अन्य पक्षियों के अंदर जाता है। इससे जानवर भी दूषित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, मनुष्य भी संक्रमित हो जाते हैं। यह मुख्य रूप से व्यक्ति के आंत में पूजन का कारण बनता है। क्लियर, आगे आ जाओ, आगे आएंगे तो देखें हम CFU, यह कॉलोनी बनाने वाली इकाइयों को प्रदर्शित करता है। इसमें आप देखेंगे 100 ml में 1000 CFU का तात्पर्य यह होता है कि 100 ml पानी लेने पर आपको यहां पर 1000 कॉलोनी वाली इकाइयां देखने को मिलेगी। ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनकी गणना करने के लिए इसे बहुत ज्यादा सांद्रता या मैग्निफाई करना पड़ता है, इतने ये सूक्ष्म होते, इतने छोटे होते हैं। तो यही सब कारण है जिसके कारण ओलंपिक में एक प्रकार का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। इसी प्रकार के लेक्चर देखने के लिए बने रहिए रिजल्ट यूट्यूब पर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में।
तब सिंह जी।